एक भैंसा है, अच्छा उसको आप नहलाइए धुलाइए, सूट बूट पहनाइए और उसके लिए दस्तरखान बिछाइए, बड़े बड़े पकवान लगाइए और उसको कहिए खाने के लिए, टाई वाई कोट पैंट पहना करके। पर वो मुंह से बैं निकालेगा, पूंछ उठाएगा, हग देगा। आप इस चीज को देख के धोखा मत खाना कि बंदे ने थ्री पीस सूट पहना हुआ है, टाई लगाई हुई है, जो है वो बैठा हुआ है टीवी चैनल पे। तो ये कितना भाई, कितना रिस्पेक्टफुल बंदा होगा, ये कितना एजुकेटेड बंदा होगा, ये तो भाई स्टार है भाई, ये तो क्रिकेटर था, ये तो प्लेयर था, ये तो सेलिब्रिटी है, ये तो एक्टर है, ये तो सिंगर है, ये सब हरामखोर है, ये सब के सब हरामखोर हैं, ये सब के सब जो है वो ऐसे ही बेइज्जत लोग हैं। तो अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के अब्दुल रजाक ने ये किया, रमीज राजा ने ये किया, इनसे आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिनकी जिंदगी की बुनियाद ही मदरसे में पड़ती है। चाहे वो रमीज राजा हो, चाहे वो रजाक हो, चाहे कोई भी प्लेयर हो, वो मदरसे में मौलवी के नीचे से ही गुजर के आते हैं। क्योंकि मदरसे में जाने वाले बच्चे, लड़का हो या लड़की, मौलवी के नीचे से ही गुजरते हैं पूरा टाइम। माइंडसेट इसके पीछे ये है कि दे आर अवेलेबल, दे आर यू नो सपोजिटली पब्लिक प्रॉपर्टी, दे कैन यूज एंड थ्रो देम। शादी तो इनको वही अपनी बहन से करनी है, तो दैट्स अ माइंडसेट। तो ये बेशर्मी है तुम लोगों की इस तरह। असल में हमारा मसला ये पूरी कौम बेगैरत है, बेशर्म है, नलायक है, ये पेंडे हैं, तो कुछ सीखते नहीं है दुनिया से, तो इसीलिए इस तरह की चवलियां मारते हैं, इनको टीवी के सामने बिठा देते हैं, कोई इनकी कोई ग्रूमिंग नहीं हुई होती है, सारी क्रिकेट इसी तरह गुजार देते हैं। बॉयज प्लेड वेरी वेल, बॉयज डिड वेरी वेल, ओ ऐश्वर्या रहे तो ये तो फलानी वो, ये इनकी पेंडुओं के हाल है। तो इनको जितना जलील किया जाए उतना कम है, ये जाहिल हैं, ये डफर हैं, जिल्लत जो है ना वो इनका नसीब हो। जो लोग इनफैक्ट आज भी बात करते हैं ना कि हम लोग एक है, हम लोग एक है, हम लोग एक बिल्कुल नहीं है। इन 75-76 सालों में जो हम लोग हैं, हम भारतीय और पाकिस्तान, जो कभी भारतीय हमारा मूल एक हो सकता है, लेकिन हम लोग आज बिल्कुल भी एक नहीं है। भारत और पाकिस्तान में जमीन और सातवें आसमान का फर्क है, नॉट जस्ट आसमान। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पान न्यूज। इट इज डिसहार्टनिंग टू हियर अबाउट द इनसेंसिटिव एंड डेरोगेटरी रिमार्क्स मेड बाय सम ऑफ द फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स लाइक रमीज राजा, अब्दुल रजाक एंड इंजमाम मुल्हक। These statements are not only disrespectful to the individuals they are targeted at, but also reflect the mindset of Pakistan. Ramiz Raja's laughter at a racial comment against actors Nina Gupta and cricket legend Sir Vivian Richards is deeply troubling. It is never acceptable to make light of racism, and Raja's reaction shows a complete lack of understanding of the gravity of this issue. Abdul Razak's inappropriate reference to Ishwar Rai is most condemnable and unacceptable. It is never right to make sexist or derogatory remarks about women, and Razak's comments are a stain on the reputation of Pakistani cricketers. Inzamam Mulak's allegation that Harbhajan was close to converting to Islam are not only insensitive but also unfounded. Religion is a personal matter, and it is never appropriate to make assumptions or spread rumors about someone's religious beliefs. These incidents reflect the jihadi mindset of Pakistan as a whole. Let's now watch the media reactions to this incident. इससे पहले हमने अब्दुल रज़ाक के हवाले से बात की, जो लानत मलामत दुनिया भर से उनके ऊपर हुई उसके ऊपर हमने बात की। उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी, वो सब चल रहा था कि इसी दौरान एक और वीडियो वायरल हुई है और उसमें अब्दुल रज़ाक, तो हम कह रहे थे ना कि कहाँ का ये पढ़ा हुआ बंदा है, इसकी क्या तरबियत है, कहाँ का ये, कैसे इसने बात की और इसको जानता कौन है, और ऐश्वर्या राय जी जो है वो तो शायद जानती भी ना हो कि है कौन बंदा, उनका तो ड्राइवर भी वो अपना ना रखे, वगैरह वगैरह। लेकिन अब जिस क्रिकेटर ने ये गुल खिलाया है उसका बहुत एक्सपोजर है, वो पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं और वो अपने आप को क्या जाहिर है, मतलब पूरी दुनिया फिरे हुआ बंदा, एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा जो है रमीज राजा साहब, वो एक वीडियो वायरल हो रही है उसमें जो कॉमेडियंस हैं वो बात कर रहे हैं विवियन रिचर्ड और नीना गुप्ता की शादी के हवाले से, और उसके ऊपर वे जो रमीज राजा हैं वो खूब हंस रहे हैं। देखती हूँ, लेकिन एक दफा ही मेरा दिल टूट गया था जब विवियन वो ले गया था उसको, नीना गुप्ता को। मैंने कभी शेयर रख दिया था भाई, मैंने लिखा था कि जो लड़कियां खुद को कहती हैं मलका यालिया, जो लड़कियां खुद को कहती हैं निसार साहब, उनको फिर मिलता है मिस्टर कालिया। रमीज राजा किस तरीके से खिलखिला के उस बात पर हंस रहे हैं, जो कि कंडेम करने वाली बात है, कि जो कॉमेडी इख्तियार की गई और जिस तरीके से विवियन रिचर्ड जो कि दुनिया का एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है
और नीना गुप्ता जो इंडिया की एक बहुत सीजन एक्ट्रेस है, उनकी शादी को लेकर और खास तौर पर इसमें एक रेस के हवाले से बात हुई है कि काला रमेश राजा ये MBA है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये पिछले तकरीबन 30 साल से कमेंट्रियां करता है, अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा मानता है और ये तकरीबन 45-50 साल से पूरी दुनिया घूम रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलता है, लोगों में उठता बैठता है, हर कलर के लोगों के साथ मिलता जुलता है, पढ़ा लिखा समझता है अपने आप को। और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी रहा था, इमरान खान ने इसको चेयरमैन भी बनाया था। उसके सामने एक प्रोग्राम में एक कॉमेडियन बकवास करता है और ये हंसता रहा। कॉमेडियन कहता है कि मैं इनको देखूंगा लेकिन मेरा दिल टूट गया था जब मैं विविन रिचर्ड्स को नीना गुप्ता के साथ देखा था और उस वक्त मैंने एक नज़म लिखी थी, उसमें मैंने लिखा था कि जो लड़कियां खुद को कहती हैं मलका या आलिया, उसको फिर मिलता है मिस्टर कालिया। रमीज उस कॉमेडियन को तो आप देखें, पाकिस्तान में ज़्यादातर जो पंजाबी चलते हैं और ये पंजाबियों की जुगतबाजी बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये जुगतें आपको आजकल पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स पे जुगतबाज चार बिठा देते हैं और न्यूज़ के ऊपर जुगतें मारते रहते हैं। उनका तो स्टैंडर्ड समझ में आता है, अनपढ़ जाहिल होते हैं। तुम रमेश राजा, तुम मुसलसल हंस रहे थे, तुम्हें कुछ शर्म है कि नहीं? नीना गुप्ता की बेटी ने इसका जवाब दिया है, मसाबा गुप्ता ने, कि मैं, मेरे फादर और मेरी मदर, हम एक ही फ्रेम में रहते हैं और हमारा सर बुलंद होता है। मिस्टर रमेश राजा, तुम्हारे कैलिबर की मैं क्या बात करूं, और तुम जिस ढिठाईपने से हंस रहे थे, तो अब वो दुनिया नहीं रही है, तुम आज भी पास्ट में रहते हो, फ्यूचर में कब आओगे तुम? तो अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के अब्दुल रज़ाक ने ये किया, रमीज राजा ने ये किया, इनसे आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिनकी जिंदगी की बुनियाद ही मदरसे में पड़ती है। चाहे वो रमीज राजा हो, चाहे वो रज़ाक हो, चाहे कोई भी प्लेयर हो, वो मदरसे में मौलवी के नीचे से ही गुजर के आते हैं, क्योंकि मदरसे में जाने वाले बच्चे, लड़का हो या लड़की, मौलवी के नीचे से ही गुजरते हैं पूरा टाइम, और उनके जहन में बाकायदा गोबर भरा जाता है। तो फिर आप चाहे MBA कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, यही आपके साथ होता रहेगा। अब्दुल रज़ाक की भी माफी आई जिसमें वो कह रहे थे आई एम अपोलोजाइज, तो मतलब आई एम अपोलोजाइज, जरा सोचिए कि उनके माफी मांगने का अंदाज इतना बढ़िया है। तो अब जरा सोचिए कि जो बोलता है कि आई एम अपोलोजाइज, तो उसका स्टैंडर्ड ही क्या होगा कि वो अपने आप को ये अपने आप से उम्मीद रखता है कि ऐश्वर्या राय उनसे शादी करेगी तो उनके बच्चे ऐसे होंगे जिसमें मॉरल्स और वैल्यूज नहीं होंगे। तो इस सब सेंटेंस से हमें क्या समझने की जरूरत है, वो ये कि ये सबसे पहली बात तो ये पूरे भारत और ये भारतीय संस्कृति है उसके प्रति जो इनके अंदर नफरत है वो आज भी वैसे की वैसी ही है जिसके आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। ये अब्दुल रज़ाक साहब को एक इंटरव्यू दे रहे थे पाकिस्तान के मॉर्निंग शोज जो होते हैं जहां पर सेलिब्रिटीज जाते हैं और नॉर्मल इंटरव्यूज उनके डिस्कशन होते हैं, वहां पर बैठ के वो बयान दे रहे हैं कि मेरे 5-6 अफेयर्स रहे हैं जो दोनों ही तरफ से होते हैं, मतलब म्यूचुअल अफेयर्स होते हैं, वो 1.5 साल चलते हैं। तो होस्ट पूछती है कि आप शादी से पहले की बात बता रहे, तो बोले नहीं नहीं शादी के बाद की बात है। तो सोचिए एक अडल्टर जो शादी में रहकर बाहर जिना करता है, जो कि इस्लाम में तो जायज ही नहीं है कि आप बिना शादी के किसी के साथ इस तरह का रिश्ता बनाए, तो ये ना जायज है।
ऐसा इंसान आकर मंच पर बैठकर कहता है कि अगर मैं ऐश्वर्या राय से शादी करता तो आपको लगता है कि बच्चे इस तरह के नेक परहेजगार बच्चे होंगे, यानी कि उनके संस्कार और वो इस तरह के बच्चे नहीं होंगे जिनमें मोरल्स हो, वैल्यूज हो, ऐसे नहीं होंगे? क्योंकि क्योंकि ऐश्वर्या राय एक एक्ट्रेस है, वो एक महिला है, वो एक हिंदू है, इसके पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था। अगर हम पाकिस्तानी माइंडसेट की बात करते हैं तो आप क्रिकेटर्स को उठा के देख लीजिए, इनकी शादियां ज्यादातर अपने ही घर में होती हैं, अपनी कजन से होती हैं, अपनी बहनों से शादियां करते हैं। और जो ये मॉडर्न लड़कियां होती हैं, जो आजाद होती हैं, जो इंडिपेंडेंट होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, जैसे कि हमारे देश में ऐश्वर्या राय, नीना गुप्ता या इस तरह की बहुत सारी लाखों महिलाएं हैं जो दुनिया भर के लिए एक एग्जाम्पल है, तो ये उन महिलाओं को ये लोग नीचा समझते हैं कि ये लोग अच्छे कैरेक्टर वाली महिलाएं नहीं है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या राय से आपको क्या लगता है अगर मैं शादी करता तो बच्चे ऐसे होते जिनके पास संस्कार होते, जो अच्छी तहजीब तमीज वाले होते। तो इसके पीछे का मकसद यही है कि एक महिला जो ऐसे कपड़े पहनती है, इस तरह का काम करती है, सब कुछ मतलब नाजायज काम जो करता है, एक्टिंग नाजायज है, गाना नाजायज है, इस तरह से खुले घूमना नाजायज है, तो उससे इस तरह के बच्चे नहीं हो सकते। और इन महिलाओं से रिश्ते वो इसलिए रखते हैं क्योंकि ये तो मतलब दे आर अवेलेबल, उनको ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ लव रिलेशनशिप में नहीं आते। माइंडसेट इसके पीछे ये है कि दे आर अवेलेबल, दे आर यू नो सपोजिटली पब्लिक प्रॉपर्टी, दे कैन यूज एंड थ्रो देम, शादी तो इनको वही अपनी बहन से करनी है। तो दैट्स अ माइंडसेट। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि इफ यू टीच अ गर्ल शी टीचेस द होल फैमिली एंड द होल सोसाइटी। एब्सोल्युटली, दैट्स अ कल्चर, दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड जो लोग इनफैक्ट आज भी ये बात करते हैं ना कि हम लोग एक बिल्कुल नहीं है। इन 75-76 सालों में जो हम लोग हैं, हम भारतीय और पाकिस्तान जो कभी भारतीय, हमारा मूल एक हो सकता है लेकिन हम लोग आज बिल्कुल भी एक नहीं है। भारत और पाकिस्तान में जमीन और सातवें आसमान का फर्क है, नॉट जस्ट आसमान। हम एक ऐसी सोसाइटी है, एक ऐसी कौम है जिसके सामने उसकी कल्चरल वैल्यूज हैं। हम अपनी महिलाओं का सम्मान करते हैं, हमारी संस्कृति में महिलाओं को बड़ा स्थान दिया जाता है और हमारे यहाँ महिलाओं को एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स के रूप में देखा जाता है, चाहे उनकी पढ़ाई की बात हो, उनके करियर चूज करने की बात हो। कोई ऐसी एक फील्ड नहीं है जहां पर महिलाएं अच्छा नहीं कर रही है, इनफैक्ट ग्लोबली अपना परचम लहरा रही है हर एक फील्ड में भारतीय महिलाएं। तो ये दिखाता है कि आप किस तरह के कल्चर से आते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि अगर किसी भी समाज की स्थिति का अंदाजा लगाना है तो आप उस समाज की महिला की स्थिति देखिए। अगर उस समाज की महिला बेहतर स्थिति में है तो समाज एक अच्छा समाज है, जो अपनी महिलाओं को इज्जत देता है, महिलाओं को सम्मान देता है, वो बेहतर समाज माना जाता है। अब देखिए कि इतने मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स निकलते हैं, एक तरफ नीना गुप्ता की बात होती है, एक तरफ ऐश्वर्या की बात है। आप देखिए कितने मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स आते हैं और ये लोग उसको क्लैप करते हैं, बड़ा हंसते हैं, किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं कराया कि किस तरह की वाहियात बात आप कर रहे हैं। रेसिस्ट कमेंट निकलते हैं, तो इनकी कॉमेडी में, इनके प्रोफेशन में नफरत हर चीज में इतनी भरी हुई है कि शायद ये इस नफरत का शिकार खुद ही हो गए और आज उस नफरत का खमियाजा खुद भर रहे हैं। जो पाकिस्तान की स्थिति है, क्रिकेट हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटिक्स हो, हर एक खित्ते में उनको यही सब कुछ झेलना पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि इसी तरह से अगर रहेगा, क्योंकि नफरत का इलाज तो कुछ नहीं होता, जिस इंसान के अंदर नेगेटिविटी होती है तो वो प्रॉस्पर तो करता नहीं है। पाकिस्तान की स्थिति वही है, भारत की नफरत, हिंदू नफरत के आधार पर पाकिस्तान बना जो आज तक फल फूल नहीं पाया। अगर जिनकी बुनियादों में नफरत होती है तो वो कभी भी सरसब्ज नहीं होते, वो कभी भी आबाद नहीं होते, वो कभी भी समृद्ध नहीं हो पाते हैं। तो नफरत से आगे आज तक पाकिस्तान नहीं बढ़ पाया है। पाकिस्तान में बच्चों को आज भी झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है, नफरत सिखाई जाती है। तो जब तक नफरत उनकी घुटी में डाली जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आगे बढ़। फ्रेंड्स, व्हाट टू से अबाउट दिस पाकिस्तानीज, दिस इज व्हाई वी रेफर टू दिस पाकिस्तानीज एज भिखारीज। दे आर इकोनॉमिकली, इंटेलेक्चुअली एंड मॉरली बैंकरप्ट। Thank you for watching. We invite you to share your thoughts. Hit the like button and leave a comment. Don't miss out on more engaging content. Subscribe for regular updates. Thank you.